हेलो गाइस, तो फिर सबको आपको लेके लिए स्वागत है आज की मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो फ़ोन पे में आपका यहाँ पे जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो रहता है वो एक्सपायर हो जाता है तो आप यहाँ कैसे कर सकते हो। जी हाँ गाइस, जैसे देख सकते हो मेरा अभी हाल ही फ़िलहाल में मेरा जो कार्ड था वो एक्सपायर हो गया था। तो मैंने मतलब थोड़ा सा मेरे को झंझट लगा, बैंकों में भी जाके देखा, उसके बाद फिर मेरे को इसका हल निकला। तो मैं सोचा कि इस टॉपिक में भी मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो शुरू करता है हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो हमारा एम है, जो हमारे चैनल का जो एम है वो है कि 3 मिनट के अंदर ही वीडियो लेके आना ताकि आपके टाइम जो है उसको भी बचाया जा सके और आपके लाइफ को सिंपल और इजी भी बनाया जा सके। और आप फ़ोन पे वगैरह से आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आ रही है आपकी कोई भी प्रॉब्लम, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनाया फ़ोन पे नाम करके, आप वहाँ पे जाके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और वहाँ पे वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते हो ताकि उससे भी रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप तक वीडियो भी पहुँचा सके। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को हमेशा की तरह दो चीज़ करना है। पहले तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें पता चलता है हमारी वीडियो किन किन लोगों को पसंद आ रही है। और सेकंड काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारी हर घंटे घंटे की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो और चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ। देख सकते हो जैसे यहाँ पे जो मेरा क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे जो एक्सपायर हो जाता है, आपको आपको सिंपली से क्या करना है, एक्सपायर हो जाता है तो आपको सबसे पहले एक बैंक पे जाना है। जो आपका क्रेडिट कार्ड रहता है वो आपका फ़ोन पे से जुड़ा हुआ जो रहता है तो वो सबसे पहले आप बैंक में खोलते हो तभी ये आपका ही रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका जो बैंक है जहाँ पे आपका जैसे देखो मेरा कि पंजाब नेशनल बैंक है, आपका स्टेट बैंक भी हो सकता है या एक्सिस बैंक भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे जाके भी आप जो है अपना प्रॉब्लम को बताओ कि मेरा जो मतलब कार्ड है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो मेरा मतलब कि एक्सपायर हो चुका है। देख सकते हो जिससे आपका वहीं पे कार्ड पे नीचे में एक्स बर्थ डेट लिखा हुआ रहता है, एक्सपायर डेट रहता है। तो आप जैसे वहाँ पे जाते हो आपको एक फॉर्म देता है भरने के लिए, फिलअप करने के लिए। आप जैसे उस फॉर्म को फिलअप करते हो उसके बाद फिर आपके पास कुछ बैंक आपके लिए कुछ टाइम लेगी, जैसे 2 दिन या 3 दिन आपका टाइम लेगी इस तरह की। उसके बाद फिर आपको न्यू कार्ड मिल जाता है। उसके बाद फिर न्यू कार्ड लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, सिंपली से यहाँ पे जो ऐड न्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको जो न्यू कार्ड है लास्ट का नंबर जैसे देख सकते हो मैंने नंबर तो हाइड करके रखा है, बट आपको नंबर पे जाना है। वहाँ पे आपको मतलब कि जो है कार्ड आपको वहाँ से जो नंबर से थ्रू से आप कार्ड ऐड कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।